गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके बॉटनी के अंदर. बॉटनी के अंदर लास्ट चैप्टर है ये. एनसीईआरटी की सीक्वेंस की बात नहीं कर रही, अपने सिलेबस के अंदर बॉटनी का लास्ट चैप्टर है, दैट इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, इसके ये पहले तो सबसे पहली चीज, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. ठीक है, दो तीन क्लासेस के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा. बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसकी अगर ऑल इंडिया पीएमटी के अंदर या फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अगर वेटेज की बात की जाए तो जितने लेक्चर है ना उतने ही क्वेश्चन लेकिन इससे बन भी जाते हैं. ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन जो है कई बार 2015 में 2 भी पूछे हैं, तो कई बार 3 भी पूछे, 2012 में इससे 5 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. तो ऑन एन एवरेज अगर अपन देख के चलें तो 3 से 5 क्वेश्चन तक इससे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर का वेटेज. और सबसे मेन चीज ये है कि 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इस चैप्टर से, और इतने ही लेक्चर में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है. तो बहुत छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा माइक्रोब्स का क्या रोल है इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के अंदर माइक्रोब्स के जो रोल है ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले तो अगर एक इंट्रोडक्शन हम लोग लें तो आप सबको पता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है आपका अर्थ पर आपके प्लांट्स और एनिमल्स का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही सही, उनका तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ही सही. Besides the macroscopic plants and animals, आपके जो microbes हैं they are the major component of the biological system of the earth. ठीक है, ये आपके major component हैं. ये भी आपके microbes की बात की जाए तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, soil के अंदर, water के अंदर, airs के अंदर, इंसेक्ट, सब जगह आपको, मतलब inside the body of, मतलब हमारी body के अंदर भी, plant body, animal body, सबके अंदर आपको माइक्रोब्स जो है हर जगह देखने को मिलेंगे. इवन दो वहां पर भी जहां पर आपके दूसरे लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो इजी गोइंग आपको नहीं मिलते, जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, तो वहां आपको नॉर्मली लाइफ फॉर्म जो है देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर भी आपको माइक्रोब्स जो है वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं. डीप लेयर्स सॉइल के, आइस के इसके बीच में, ग्लेशियर्स के बीच में, मतलब माइक्रोब्स जो है इनके प्रेजेंस की बात की जाए कि ये कहां पाए जाते हैं तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द अर्थ. हर जगह आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट है. ठीक है, चाहे वो एयर के अंदर हो, चाहे वाटर के अंदर हो, चाहे सॉइल के अंदर हो, चाहे इनसाइड द ह्यूमन बॉडी हो, इनसाइड द प्लांट बॉडी, इनसाइड द एनिमल बॉडी, इवन तो जहां पर जो दूसरे लाइफ फॉर्म्स हैं जो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहां पर वाटर का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पर भी आपको ये माइक्रोब्स जो है ये पाए जाते हैं. अब वैसे माइक्रोब्स जो है They belong to the diverse group of organism. इसमें bacteria भी आएंगे आपके, fungi भी हैं, protozoans भी हैं, virus, viroids, prions, they all belong to the category of the microbes. They all are included in this category. ठीक है, अब आपने देखा कि microbes, कुछ तो microbes ऐसे भी होते, अपन तो इसके अंदर human welfare के अंदर इसका role discuss कर रहे, कुछ microbes ऐसे भी हैं जो disease causing है. ठीक है, डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉजिटिव एजेंट है बहुत सारे डिजीजेस के, लेकिन कुछ माइक्रोब्स आपके ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए भी हैं, उनके इस्तेमाल में आने वाली चीजें, उनकी अच्छाई के लिए. तो हम इसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ही डिस्कस करेंगे. इसमें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कैसे है, हाउस होल्ड के अंदर इसका क्या रोल है, इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका क्या रोल है, सीवेज ट्रीटमेंट में इसका क्या रोल है. ठीक है, ऐसे करके अपन पूरा एक हर टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे. तो मैं इससे पहले कि जैसे हाउस होल्ड की बात की जाए, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, मतलब जो, मतलब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में घरेलू चीजों के अंदर जो माइक्रोब्स का जो रोल है, मैं एक हेडिंग हेडिंग बता रही हूँ. जैसे कर्ड, दही जो हम खाते हैं उसके अंदर आपके माइक्रोब्स का रोल है. दूसरा चीज़ जो आप लोग खाते हैं इसके अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है. ब्रेड आप लोग सब खाते हैं, ब्रेड के अंदर क्या है, नान खाते हो, इडली खाते हो, डोसा खाते हो, इन सब के अंदर आपके माइक्रोब्स का रोल है. और ये शायद पता होगा लोगों को, टॉडी, सीधे बन रहे हो पता तो होगा,
गोवा की फैनी मिलती है वहां पे? हाँ, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में वहां का फेमस है। टॉडी कहाँ का फेमस है, किन पार्ट्स में मिलता है? पता होगा, पता होगा, बोल दो बोल दो। हाँ, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के पार्ट्स में बहुत सारे बच्चे होंगे ना साउथ इंडिया से, उनको पता होगा कैरोटा यूरियंस एक प्लांट है, वहां से ये नेचुरल ऑप्टेन की जाती है टॉडी, ठीक है, वहां का फेमस अल्कोहलिक ड्रिंक है ये। तो इन सब के अंदर ये जो मैंने नाम बोले, कर्ड, चीज, आपका ब्रेड, इडली, डोसा, टोडी एंड अदर फूड्स भी हैं, जैसे कि सोया सॉस, तो आपको पता होगा सबको सोया सॉस क्या है, ये कैसे बनता है। इन सब के अंदर, मतलब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है ना ये आपके, इन सब के अंदर आपके माइक्रोब्स का क्या रोल है, कैसे ही क्या करते हैं, ये पूरा हम इसके अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके पहले कि मैं आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की तरफ स्विच करूँ, आप ये सब चीज़ें लिख लीजिए, मैं इसको पूरा पैराग्राफ वाइज बहुत ऐसे नहीं लिखूंगी, आप लिखते जाओ। कि माइक्रोब्स की मैंने बात बोली, तो आपके बिसाइड द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिसाइड द माइक्रोस्कोपिक एज इट इज, ये लाइंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। बिसाइड द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स जो हैं दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, ये आपको कहां पाए जाएंगे, तो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द अर्थ, अर्थ में हर जगह पर आपको ये देखने को मिलेंगे। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, ठीक है, आप लिख लो। जैसे कि ये आपको वाटर के अंदर, इट मे प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, एयर, सॉइल, इनसाइड आवर बॉडी, आपको प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, सब जगह मिल जाएंगे। इवन तो फिर मैंने आपको बताया, जहां पर आपके जो दूसरे लाइफ फॉर्म्स आपको इजी गोइंग देखने को नहीं मिलते, जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यहां पर जो टेम्परेचर होता है इट इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, लिख लेना, ये ऑलरेडी अपन वैसे डिस्कस किया हुआ है, यहां पर भी आपको माइक्रोब्स जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये तो मैंने बताया कि माइक्रोब्स जो है दे बिलोंग टू द डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स दे बिलोंग टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपके इसके अंदर बैक्टीरियाज भी आते हैं, फंजाई है, प्रोटोजोन्स है, इवन दो वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। तो ये आपके माइक्रोब्स के बारे में थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि ये तो एक हो गया कि क्या आपको थोड़ा एक आउटलाइन समझ में आ गई होगी। बहुत सारे बैक्टीरियाज आपने देखे होंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, बहुत सारे वायरसेस आपको पता होगा, अपन बहुत सारी डिजीजेस डिस्कस करते हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट है, तो ये अगेंस्ट ह्यूमन वेलफेयर भी इनका रोल है, बहुत सारे डिजीजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स जो है आपके ह्यूमन वेलफेयर के अंदर भी इनका एक रोल है। तो इसमें अपन अपने जैसे चैप्टर का ही नाम ही है ह्यूमन वेलफेयर, तो अपन डिजीज कॉजिंग नहीं डिस्कस करेंगे, डिजीज वाला एक चैप्टर है आपके 12th में ही, वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं जूलॉजी के अंदर, इसमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही अपन माइक्रोब्स का रोल जो है पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, अब ये चीज ऐसी है, ये चैप्टर जो है ना बहुत इजी चैप्टर है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है हाई फाई कॉन्सेप्ट आए कि भाई आपको समझने में दिक्कत होगी, और ये सिंपल सी सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको अपना नॉलेज ब्रशअप करना है, ठीक है। जो इसको थोड़ा बहुत पता हो तो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं है। तो माइक्रोब्स,
सबसे पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर इनका क्या रोल है, मैं ये डिस्कस करूंगी आपके साथ इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो मैंने आपको पूरा एक लिस्ट बताया था। सबसे पहले गर्मियां चल रही हैं, दही हम जरूर खाते हैं खाने में, तो वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कर्ड। अब बताओ, सबको ये तो पता ही, प्रोसेस तो पता होगा, फर्मेंटेशन होता है, क्या होता है जिससे कि आपका कर्ड बनता है। कौन सा प्रोसेस होता है? दूध को, दूध जब फट जाता है उसको ऐसे करके ही बनाते हैं ना आप लोग दही। तो इसके अंदर जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, इट इज द लैक्टोबैसिलस, ये प्रेजेंट होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये आपके मिल्क के अंदर ग्रो करके मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सबको ये चीज पता है, मिल्क इट इज कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, किसे, लैक्टोबैसिलस या फिर इट इज कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये आपके मिल्क के अंदर ग्रो करके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये पहला जो लाइन मैंने इसके बारे में आपको बोली है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता होगी, जस्ट आप लोग एक लिख लीजिए, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जो सबको पता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है इसके अंदर, इट इज द लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। व्हाट डज इट डू? तो ये आपके मिल्क के अंदर ग्रो करेगा, इट ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट ये, एग्जैक्टली ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपके मिल्क के अंदर ग्रो करके उसे कर्ड में कन्वर्ट कैसे कर रहा है? तो क्या होता है, जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है, ड्यूरिंग द ग्रोथ आपके जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये एक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। इस एसिड क्या करता है, ये आपके उसको क्या बोलते हैं उसको कोगुलेट करेगा और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, ऐसे ही आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? व्हाट, ये तो आपको सिंपल सी एक चीज मैंने बताई कि कैसे आपका मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये मिल्क के अंदर ग्रो करेंगे और उसको कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। होता क्या है, तो लिखिए, ड्यूरिंग द ग्रोथ व्हाट हैपन, ग्रोथ के टाइम पर क्या होता है इनकी, ड्यूरिंग द ग्रोथ आपके जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये एक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इट प्रोड्यूस एसिड, इस एसिड का क्या रोल है, दैट कोएगुलेट, कोगुलेशन कराता है ये, दैट कोगुलेट एंड दैट पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका, तो स्टार्टर यानी कि इनोक्युलम जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर आपके मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके सूटेबल टेम्परेचर पर इसके अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, क्या बोला, स्टार्टर और जो इनोक्युलम है उसके अंदर आपके मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके सूटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई होते हैं और इस मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टार्टर और इनोक्युलम, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच ऑन सूटेबल टेम्परेचर। आपको पता है ना, दूध में थोड़ा सा आप जामन लगाते हैं,
फ्रिज में नहीं रखते उसे, थोड़े टाइम के लिए बाहर रखते हैं, तो वो सूटेबल टेम्परेचर पर वो मल्टीप्लाई होते हैं और फिर दूध को जो है वो दही के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. तो द स्टार्टर और द इनाक्युलम इट कंटेन मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच ऑन सूटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, उनके अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा एंड कन्वर्ट इट इन टू द कर्ड. समझ में आया ये? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है, जो मिल्क से अभी जो कर्ड जो बन चुका है, कर्ड जो है इट इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क एज इट कंटेन्स वेरियस विटामिन, स्पेशली द विटामिन B12. यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू अगर देखी जाए ना तो कर्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मिल्क. इसमें बहुत सारे विटामिन, स्पेशली विटामिन B12, ये जो है आपके कर्ड के अंदर जो है प्रेजेंट होता है. और हमारे स्टमक के अंदर ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, इट प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. मतलब अपने स्टोमक के अंदर अगर आपका ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो अदर डिजीज मतलब माइक्रोब्स, ये तो ह्यूमन वेलफेयर के अंदर इसका रोल है. मैंने आपको बताया था कुछ माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, तो उनको चेकआउट करता है ये. तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इन आर स्टमक. ठीक है, तो पहले तो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में लिखेंगे हम लोग कि जो कर्ड है इट इज मोर न्यूट्रिशियस कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क. मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है आपके कर्ड की एज इट कंटेन वेरियस विटामिंस. बहुत सारे विटामिंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली विटामिन B12. ठीक है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू किसकी ज्यादा हुई है? आपके कर्ड की ज्यादा है एज कंपेयर टू द मिल्क. और मैंने हमारे स्टमक के अंदर इसका क्या एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल रोल है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये भी लिख लीजिए. इन आर स्टमक, आपका ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है. ठीक है, इन आर स्टमक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट, पीछे वाले स्टूडेंट्स यहां लिख दूं क्या? हाँ, यहां पर इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय चेकिंग अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं तो बोलते हैं दही चावल खा लो, कुछ और नहीं खाते, दही क्यों? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंस होता है उसके अंदर. तो स्टमक के अंदर भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो इट विल चेक द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, आया आपको समझ में? तो ये तो सबसे पहला हाउसहोल्ड प्रोडक्ट जिसके अंदर आपके माइक्रोब्स का रोल है, दैट इज द कर्ड. ठीक है, एक बार इसको हाईलाइट कर लो. मेन जो की पॉइंट मेरे हिसाब से सबको पता है कि मिल्क जो है कर्ड के अंदर कन्वर्ट होता है. किस बैक्टीरिया का रोल है उसके अंदर? इट इज द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, विच इज कॉमनली कॉल्ड द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ये आपके मिल्क के अंदर ग्रो करके उसे कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है. क्या होता क्या है एग्जैक्टली इसके ग्रोथ के टाइम पर? तो जब आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ चल रही होती है उस समय पर यह आपके एक एसिड का सिक्रीशन करता है. ये एसिड क्या करता है? इट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. और वो जो स्टार्टर जो इनोक्युलम जो होता है उसके अंदर मिलियंस नंबर के अंदर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक सूटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करते हैं और आपके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर नेक्स्ट हमने इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात की कि कर्ड जो है ये आपके मिल्क के कंपेयर में ज्यादा न्यूट्रिशियस है, ज्यादा विटामिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली द विटामिन B12. फिर मैंने स्टमक के अंदर इसका एक क्या इंपॉर्टेंट रोल है इस बैक्टीरिया का ये बताया कि अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेकआउट करता है. क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट विच इज इन विच द रोल ऑफ माइक्रोब्स इज देयर, दैट इज द कर्ड. नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इट इज द चीज. ठीक है,